हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप? उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्व कुशल मंगल होंगे। और स्टूडेंट्स, मैं जितेश पारासर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नो श्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण। और आज मैं अभी की जो क्लास है, क्लास नंबर 4, और जिसका टॉपिक है डायमेंशन पार्ट 2। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको डायमेंशन निकालना सिखाया था। और अगर किसी बच्चे ने वो क्लास ली है और लेने के बाद उसने देखा हो कि हाँ सर, हमें अगर फॉर्मूला पता है तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, ऐसा आपने देखा था ना, सारे फॉर्मूले से ही डायमेंशन बन के आती है, जितनी भी डायमेंशन बनती है। लेकिन ये डायमेंशन का जो पार्ट 2 है, जिसमें थोड़ा बहुत उसके एप्लीकेशन, कहां उसका उपयोग किया जाता है, चल मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा। जो ये विमा है, उन विमा के हम उपयोग ज्यादातर कहां करते हैं? अच्छा, इसका 3 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यहां 3 तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला, कोई भी फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला सही है या गलत है, इसकी पहचान पता कौन करती है? डायमेंशन करती है। मतलब अगर मैं लिखूं तो कह सकता हूं टू चेक द फॉर्मूला कि गुरुजी ये उस फॉर्मूले को, उस सूत्र को बताएगी कि ये सही है या गलत है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिख दिया कि मैंने कह दिया कि भैया E=mc² होती है, जो एनर्जी होती है, ऊर्जा का मान जो होता है, मास इनटू सी का स्क्वायर। सी क्या है? सी स्पीड ऑफ लाइट है, जो कितना होता है, जिसका मान 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 300,000 किलोमीटर एक सेकंड में, इतनी रफ्तार से लाइट चलती है, प्रकाश चलता है। क्लियर? बता देता हूं, यहां सी का मान कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसका मान जिस साइंटिस्ट ने निकाला था, उस साइंटिस्ट का नाम था रोमर। क्लियर? रोमर नाम का, याद है आपको एक रोमर नाम का स्केल बताया था मैंने, याद है जिस दिन पहली क्लास थी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री रूमर, रोमर जिसे बोलते हैं, उन्हीं ने सी का मान बताया था। अब ये फॉर्मूला सही लिखा है या गलत लिखा है, ये कौन बताएगा? ये डायमेंशन बताएगी। कैसे बताएगी गुरुजी? वो ऐसे बताएगी कि इसकी डायमेंशन निकाल देना LHS की, बेटा बात समझ रहे हो? हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड। और RHS की निकाल देना, चेक करके देखना भाई साहब करेक्ट होके आएगा फॉर्मूला जैसे मैं आपसे कहूं। मुझे एक बात बताओ, ये जो एनर्जी होती है, मुझे एक बात बताइए बेटा, जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऊर्जा क्या है? तब तुमने एक बात बोली कि सर आपने बताया था लास्ट लेक्चर में कि एनर्जी, जब भी तुमसे कोई पूछे उसे एनर्जी निकाल कर मत देना, उसे निकाल कर देना तुम वर्क डन, कार्य, बिकॉज वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये कार्य ही तो है। अब कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू कार्य बराबर सिर्फ वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे बलगुना विस्थापन बताया था ना? यस। फोर्स की क्या होती है? MLT-2 इनटू, बेटा ये क्या होगा, एस किस में नाप जाएगा? एल में। एल और एल कितना बन गया? L2। ओ जी बोलना, MLT-2 आया कि नहीं आया? गुरुजी बिल्कुल आया। तो ये डायमेंशन किसकी है? यही एनर्जी ऊर्जा की है, और यही किसकी थी? कार्य की। ये क्या निकाला तुमने? LHS। अच्छा RHS निकाल के देखना, RHS मास को किस में मेजरमेंट करेंगे? द्रव्यमान को m में मेजरमेंट करते हैं ना? हाँ हाँ बोलते रहो मेरे साथ। जी सर, m में करेंगे, बिल्कुल सही बात। ये c क्या है? सर जी c वेलोसिटी है, मतलब वेग है एक तरह का, या स्पीड भी कह देते हैं, क्या डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत बताऊंगा उनमें। तो मुझे एक बात बताओ, हकीकत में देखा जाए तो वेलोसिटी तो है, और वेलोसिटी की बच्चे बच्चे को डायरेक्ट पता होती है, ये बात मैंने बताई थी तुम्हें लास्ट क्लास में। 3 डायमेंशन डायरेक्ट याद रखना, एक वेलोसिटी LT-1 जिसे वेग कहती हो, एक एक्सेलरेशन त्वरण LT-2, एक फोर्स MLT-2 जिसे बल कहते हैं। अगर ये 3 डायमेंशन डायरेक्ट याद है, देखना मोस्टली सारी डायमेंशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं में इसका उपयोग किया जाता ज्यादातर। ये गुरुजी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की तो आपने LT-1 बताई थी। अरे भाई मैं आज भी तो LT-1 ही बोल रहा हूं, बस फर्क इतना है इसका स्क्वायर कर रहा हूं। बेटा क्या आ गया? MLT-2। ओ सर,
ये क्या हो गया? अरे सर, इसकी तो LHS इसकी RHS के बराबर हो गई कि नहीं हो गई? अरे सर बिल्कुल हो गई। जब बेटा LHS RHS के बराबर हो गया तो इसका मतलब आज ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो डायमेंशन का पहला उपयोग किसी फॉर्मूला को चेक करने में किया जाता है, फॉर्मूला है क्या, बात क्लियर है? यानी देखकर तुम कहोगे नो, देखकर, बहुत बढ़िया। अरे जब ये फॉर्मूला को चेक करने में इसका उपयोग किया जाता है ना, तो दूसरा उपयोग टू ड्राइव द फॉर्मूला। यह फॉर्मूला बना भी देती है, अगर इसका चेक करने का इसका उपयोग इसका हक है तो यह फॉर्मूला ड्राइव भी करके दिखा देती है। डेरिवेशन किसी फॉर्मूले को बनाना है, यह बना देगी, ये जनरेट कर देगी, फॉर्मूला बना देगी, फॉर्मूला ड्राइव भी करके दिखा देती है। ये इसका दूसरा एप्लीकेशन। तीसरे एप्लीकेशन की बात करूं तो ये कन्वर्जन में इस्तेमाल किया जाता है। क्या 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 सब दोबारा बोलना? अरे मैंने बोला कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है बेटा रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये इकाइयों का रूपांतरण करती है। कैसे? जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा एक होता है 1 न्यूटन, क्लियर है? एक होता है 1 न्यूटन और एक होता है डाइन। अरे कुछ बच्चे तो सुन रहे होंगे गुरुजी ये डाइन डाइन नहीं डाइन, ये डाइन क्या चक्कर है? ये भी फोर्स बल की इकाई है, ये भी फोर्स की इकाई है, जिसे तुम हिंदी मीडियम में न्यूटन कहती हो, और ये होता बेटा डाइन, क्लियर है? तो ये दोनों ही बल की इकाई है, लेकिन ये कौन से सिस्टम में होती है? SI सिस्टम, और ये किस में होती है? CGS सिस्टम। गुरुजी मारे पल्ले नहीं पड़ी कि ये SI सिस्टम क्या है, CGS क्या है, टेंशन क्यों लेते हो? इससे अगला टॉपिक इसे ही बताऊंगा कि कितना कितने तरह का सिस्टम होता है। बात पची बहुत अच्छे से, शाबाश, क्लियर है? हाँ, तो ये एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलती है। कैसे बदलती है? तुमसे पूछेगा बताइए 1 न्यूटन में कितनी डाइन? 10^5 डाइन। 10^5 डाइन जब मिलेंगी, 10^5 डाइन जब मिलेंगी, तब जाकर के 1 न्यूटन बनता है। डायरेक्ट पूछा जाता है, ऐसे ही पूछेगा आपसे बताइए 1 जूल = how many अर्ब, मतलब ये भी कार्य की वर्क डन की एनर्जी SI यूनिट है, ये भी उसकी यूनिट है, लेकिन एक CGS में और एक SI में। टेंशन मत लेना, सब चीज बताऊंगा, CGS MKS क्या चक्कर है। तो इतना ये जूल कितने के बराबर होगा? यहां आता 10^7 पर, इतनी बार पूछा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बार बार पूछा है। और अगर इसका उल्टा पूछ ले तो बेटा 1 अर्ब = 10^-7 जूल आएगा नहीं आएगा? अरे जब ऊपर से इससे 1 बनाओगे तो ये नीचे आएगी, नीचे आने का मतलब ये माइनस में आएगी। बोलो बात समझ आएगी? जब नीचे आएगी तो ऊपर से माइनस में लिख सकते हैं, यहां प्लस में। तो अर्ब बड़ी है या जूल बड़ी है? गुरुजी जूल बड़ी है, जूल कितनी बड़ी है? जब 10^7 टाइम अरब हो गए तब 1 जूल के बराबर होगा। अरे मैं तुमसे पूछने लगूं मीटर बड़ा कि किलोमीटर बड़ा, बताना क्या जवाब दोगे? अरे सर किलोमीटर बड़ा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? बस कहने का मतलब ये कन्वर्जन का काम करती है। ऐसा कोई बच्चा है जैसे बात समझ नहीं आई, फिर से एक बार बताता हूं, इसका उपयोग 3 तरह से किया जाता है। 3 तरह से, कौन कौन से 3 तरह से किया जाता है एक बार आप बताओगे? जी सर बिल्कुल। पहला टू चेक द फॉर्मूला, दूसरा टू ड्राइव द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बना भी देता है, और तीसरा गुरुजी इसका काम है कन्वर्जन, एक इकाई से दूसरी इकाई में रूपांतरण करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या बात, बहुत अच्छा, गजब का, समझ आ गए सब? लेकिन एक बात बताऊं, डायमेंशन का अगर उपयोग है ना तो ये कहीं ना कहीं एक जगह फेल भी होनी थी और फेल हुई। अगर साइंस के अंदर यही सबसे बड़ी खासियत है, अगर कोई ना कोई किसी चीज के लिए वैलिड है तो इनवैलिड होना है। अगर आज तुम्हें तुम मुझे कोई चीज पूछते हो और मैं वो चीज नहीं बता पाऊं तो वो मेरी कमी है, और ऐसी कमी को साइंस में लिमिटेशन वर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता बेटा? लिमिटेशन, या फिर इसे ड्रॉबैक्स भी कह देते हैं। ड्रॉबैक मतलब उसकी क्या कमी है। ऐसा कोई साइंटिस्ट था ही नहीं जिसने कोई थ्योरी दी उसकी कोई कमी नहीं रही हो,
हर साइंटिस्ट को प्रूफ करके दिखाऊंगा कहां कहां उसने क्या क्या कमी करी। आज डायमेंशन के अंदर भी कमी थी, आज तुम्हें लगने लगा डायमेंशन बहुत अच्छी है सर, फॉर्मूला बना देती है, फॉर्मूला चेक कर देती है, कन्वर्जन कर देती है, इससे बढ़िया तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। ना ना ना, ये कहीं ना कहीं फेल भी हुई थी, और उसके फेल होने के फिजिक्स की भाषा में बोलूं तो ड्रॉबैक्स क्या थे या लिमिटेशन क्या थी। सुनो ध्यान से, जब इनसे बोला कि आप फिजिकल क्वांटिटी को बता सकते हो, भौतिक क्रियाओं को बता सकते हो, इसे बड़े प्यार से बता दिया। याद करो बेटा, मैंने बोला था अगर मेरी क्लास को कोई बच्चा लगातार जीरो लेवल से फॉलो करेगा ऊपर तक, तो बहुत अच्छे से वो कहेगा, मैं बार बार इस चीज को बोलूंगा, उस क्लास में पढ़ा होगा, पीछे की क्लास में पढ़ाया होगा, इससे बेहतर है पूरा प्रॉपर क्लास पढ़े और नोट्स बनाए। याद करो उस पहली क्लास को, पहली क्लास जब मैंने बता रहा था तुम्हें, तो मैंने पहली क्लास में ये बात बोली थी, और 40 वाली क्लास जिसमें अल्फाबेटिक 40 बताए थे, ग्रीक थे, उसमें एक बात बोली थी, एक फंक्शन होते हैं बेटा, जिन्हें हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, लॉगरिथमिक। अरे गुरु जी पता है, बहुत अच्छे से पता, आपने बताई थी, वो फंक्शन जो लॉग में रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन्हें लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। अब यू ना पूछना कि लॉग बेस ई क्या होता है, लॉग बेस 10 क्या होता है, और उसका कन्वर्जन क्या होता है, क्योंकि यहां बैठा बच्चा बच्चा जानता जिसने वीडियो देखी है। बात पच गई बहुत अच्छे से। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक। अरे सर इनके बारे में तो पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये तो तुमने पढ़ा है। लेकिन जब ये ही बात तुम्हें बताने जा रहा हूं, जब डायमेंशन से पूछा गया कि क्या मुझे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए तुम वैलिड हो, इसने हाथ खड़ी कर दी, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैलिड नहीं हूं, ना निकाल सकते हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डायमेंशन। उन्होंने कहा क्या तुम लॉगरिथमिक फंक्शन की डायमेंशन बता सकते हो? उन्होंने कहा नहीं बता सकते। अफसोस, जो कोई किसी चीज को नहीं बता सकता वो उसकी कमी बनती है, लिमिटेशन बनते हैं, ड्रॉबैक्स बनते हैं। तीसरा उससे कहा गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अरे जो फंक्शन ई की पावर एक्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। क्या तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बता सकते हो? डायमेंशन ने हाथ खड़े कर दिए, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में नहीं बता सकते। अरे लाडले बच्चे, मैंने आपको अब तक क्या बताया? मैंने तुम्हें यह बताया डायमेंशन है क्या, मैंने तुम्हें यह बताया डायमेंशन निकलती कैसी है, मैंने तुम्हें यह बताया डायमेंशन किस किस की निकलती है, मैंने तुम्हें यह बताया डायमेंशन की कमी क्या थी, उनके उपयोग क्या थे। और अब आज का डायमेंशन का टॉपिक फिनिश होता है। अब एक छोटे से कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, और इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा एरर का, गलती कैसे निकलती है एरर। वैसे तो देखा जाए तो ये एक टॉपिक इतना बड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है कि हम तकरीबन 4 क्लास में इसको कवर कर सकते हैं, बहुत बड़ी लेवल पर, विस्तार लेवल पर। लेकिन मैं ऐसा कराऊंगा, इफेक्टिव कराऊंगा, सीधा क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उठाऊंगा, जो पूछेगा यहां से पूछेगा, इससे अलावा नहीं पूछेगा। बात के लिए है, बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें यहां तक सारी बात समझ आई? गुरुजी बहुत अच्छे से आई। पच गई? यस। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। क्या बात, शाबाश। ध्यान से सुनो, अब क्या होता है, अब कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। इसमें एक सीजीएस वर्ड आया सर, ऐसा ही वर्ड आया, ये समझ नहीं आया। देखिए हकीकत में होता क्या है, जब आप डायमेंशन निकाल रहे थे तो बेटा यहां दो तरह की यूनिट्स होती हैं, यहां दो तरह की क्वांटिटी होती हैं। एक होती है क्वांटिटी, अगर बात करूं मैं, क्वांटिटी जिसे राशि भी कह देते हैं, यहां दो तरह की क्वांटिटी होती हैं। एक होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल, और एक होती है ड्राइव। देखो फंडामेंटल का मतलब है आधारभूत, जो आधार है, जो बेस है, और ड्राइव का मतलब है जो बनाई गई है, इनकी हेल्प से बनाई गई है। बात क्लियर है? हाँ जी सर। दो होती हैं, एक फंडामेंटल और एक ड्राइव। अगर मैं बात करूं बेटा फंडामेंटल की, तो ये फंडामेंटल 7 होती हैं। कितनी होती है? 7, 7 फंडामेंटल होती है। जैसे 7 दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूजडे, ऐसे ये 7 बेसिक होती है, जिसमें कौन कौन सी, गुरु जी एम एल और टी। ये बात तो आपने बताई थी, मास, लेंथ, टाइम। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही एक टाइम एक और था ना, थीटा, थीटा था ना, थीटा, थीटा,
थीटा मतलब क्या था, टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसे तुमने हीट से रिप्रेजेंट कर देते थीटा से। अच्छा आपने तो एम्पियर भी पढ़ा था, एम्पियर जिसे क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, क्या कहते हैं, करंट। बोलो एक दो तीन चार पांच, दो और रह गई, ध्यान से सुनो। एक होता है मोल, क्या होता है बेटा, मोल, मोल क्या बेटा, आप यहां तक देख पा रहे हो नीचे से, हाँ जी मोल देख पा रहे हो, उम्मीद है शायद आप देख पा रहे होंगे। ये किसी चीज के अमाउंट को दिखाता है, कितना अमाउंट है। अच्छा एक होता है इंटेंसिटी, उसे कैंडेला बोलते हैं, कैंडेला, इंटेंसिटी मतलब किसी की तीव्रता जो दिखाता है उसे हम कैंडेला कह देते हैं, कैंडेला। अच्छा देखो फिर से देखो, सात बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी, मेरे साथ साथ बोलना, मास एम एल टी, थीटा, एम्पियर, मोल, कैंडेला। इंटेंसिटी तीव्रता को दिखाता किसी की, किसी की भी तीव्रता हो सकती है, चाहे वो पानी की हो या लाइट की हो या हीट की हो, किसी की भी तीव्रता हो, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैंडेला में सीडी रिप्रेजेंट की जाती है। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया सर। ये वो जिन जो डायमेंशन जिनसे बन के आती है, इनका जिक्र तो आपने किया ही नहीं था, मोल वगैरह का, कहीं अमाउंट आने लगे कि कितना अमाउंट लिया जाए। अरे अमाउंट को ना एम में, ना एल में, ना टी में, ना थीटा में, मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर बेटा, बेटा बात क्लियर है तब, बहुत बढ़िया। ये जो सात थे इनका नाम था फंडामेंटल, ड्राइव्ड वो है जो तुम बना के लाए, जैसे तुमने क्या बनाया, वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी यहां है, ना सर, वो जी एक्सेलरेशन जिसे तुम त्वरण कहते हो, इसे तुम वेग कहते हो। तुमने कहा सर गुरुजी फोर्स, बल, बताओ बल, बेटा बोलो प्रेशर, प्रेशर, ये सब किसमें आएंगी, ड्राइव्ड के अंदर आएंगी। क्यों, क्योंकि तुमने उसे ड्राइव किया है, और यही मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था कि ड्राइव का काम क्या होता है, कि डायमेंशन का यही तो काम है, टू ड्राइव द फॉर्मूला, तो ड्राइव करने में भी इसका काम आता है। क्वांटिटी बेसिकली दो ही प्रकार की होती है, क्लियर है, रेडियंस रीडिंग का जिक्र भी होता है, जनरली दो प्रकार की होती है, फंडामेंटल आधारभूत, आधारभूत कितनी है, सात है, जिन पे बेस डायमेंशन होती है, और जो बनाई जाती है जितने भी फॉर्मूले, मैंने कहा मोमेंटम, संवेग किसमें आएगा, इसमें आएगा। बोलो बात समझ आई, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए बेटा मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, और तुम्हारे खातिर हम फैन बंद करके पढ़ा रहे हैं, पंखा नहीं चल रहा है, बंद करके पढ़ा, क्यों, क्योंकि बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो, हमारी आवाज तुम तक बहुत अच्छे से पहुंच पाए, दिल और दिमाग को झंझोर पाए, क्लियर है, बिना माइक के, समझ पा रहे हो, कंटेंट पे ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखिए, अब मैं बात करता हूं सिस्टम की, किसकी बात करता हूं जी, वो जी बात करने जा रहा हूं मैं सिस्टम की, देखना बेटा यहां ध्यान देना बहुत प्यार से, सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये सिस्टम तीन प्रकार का होता है, देखो कौन कौन सा, एक होता है बेटा, एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है एमकेएस सिस्टम, और एक होता है एफपीएस सिस्टम। बोलो बोलो कौन सा, तीन होते हैं, बोलो कौन से, एक होता है सीजीएस, एक होता है एमकेएस, और एक होता है एफपीएस। बोलो बात क्लियर है, यस सर बहुत अच्छे से क्लियर है, क्या बात। सीजीएस की अगर फुल फॉर्म करें तो ये होता बेटा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, देखा जाए ना हकीकत में तो ये पता किसे तोलता है, तीन चीजों को तोलता है, एम एल और टी। अरे गुरुजी ये तो वही एम एल टी है जिनकी हम डायमेंशन निकाला करते थे, वही बात तो बोल रहा हूं। तो देखो मास को किसमें नापेगा, ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, और ये सेकंड में। अब देखो एमकेएस की फुल फॉर्म, मीटर सेंटीमीटर नहीं, अब ये मीटर बन चुका है, ये ग्राम नहीं किलोग्राम बन चुका है, मीटर किलोग्राम सेकंड। अच्छा ये क्या होगा, मीटर की जगह जमीन किसमें नापी जाएगी, अब फुटों में नापी जाएगी, वजन किलोग्राम की जगह किसमें नापा जाएगा, पाउंड में मेजरमेंट किया जाएगा, और टाइम किसमें मेजरमेंट किया जाएगा, सेकंड में, फुट पाउंड सेकंड। अंग्रेज लोग इसको फॉलो करते थे, हम अंग्रेज को गुलाम थे तो हम भी जमीनों को फुटों में नापते थे, पहले वजन पाउंड में मेजरमेंट किया जाता था। तो वो क्या रहा था, हर देश में अलग अलग सिस्टम था, कोई सीजीएस फॉलो कर रहा था,
कोई एमकेएस फॉलो कर रहा था, कोई इसको लागू कर रहा था। तो उन्होंने कहा जैसे भाषाएं अलग अलग होती हैं, कहीं कोई इंग्लिश, चाइनीज, अरबी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, फ्रेंच, क्यों ना एक ऐसी भाषा बनाई जाए जो कॉमन लैंग्वेज बन जाए, आसानी से सब आपस में वार्तालाप कर सकें। एक लैंग्वेज बनाई गई कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश, कोई भी कहीं भी किसी भी देश का टूरिस्ट हो आप बात कर सकते हो उससे इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई। ऐसे उन्होंने कहा ये जो सिस्टम चल रहा सही सिस्टम नहीं है, ऐसे सिस्टम से क्या होगा, अलग अलग बातें बनेंगी, एक सिस्टम बनाया जाए जो इन तीनों के लिए कॉमन हो, आसानी से बात कर लें। उन्होंने कहा ठीक है बना दो, एक सिस्टम बना दो, और पूरी दुनिया की एक मीटिंग हुई जिसे इंटरनेशनल सिस्टम बनाने के लिए मीटिंग करी गई, जिसे एसआई सिस्टम बोला गया। क्या 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 बोला दोबारा बोलो, एसआई, एसआई का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम, पूरी दुनिया के लिए एक सिस्टम बनाने जा रहे थे। और जब एसआई सिस्टम की मीटिंग गठित होती है तो उसमें क्या किया, इस एमकेएस पे मोहर लगाई गई, एमकेएस को। वाह गुरुजी, हम समझ गए आप क्या समझाना चाहते हो, यही वजह थी मैंने इसे बीचों बीच सेंटर में लिया। अरे तीन सिस्टमों में से फॉलो करने के बाद जब पता लगी एसआई यूनिट का मतलब क्या है, तो मैं जब बोलूं एसआई सिस्टम तुम समझ जाओगे गुरुजी एमकेएस की बात कर रहे हो। एमकेएस को क्या बोला गया, एमकेएस को बोला गया एसआई सिस्टम। इसी वजह से जब भी कोई तुम्हें न्यूमेरिकल दिया जाता है, कोई आंकिक प्रश्न दिया जाता है और तुमसे कहा जाता है बताओ अगर जमीन इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर है, तो तुम उसे मीटर में बदलते हो। वजन ग्रामों में दे रखा होता तुम उसे किलोग्राम में बदलते हो। टाइम घंटे में दे रखा होता तुम उसे सेकंड में बदलते हो। इसी वजह से अगर नहीं बदलोगे तो न्यूमेरिकल गलत आएगी रीडिंग। एक सिस्टम को फॉलो करना और वो है एमकेएस सिस्टम। बोलो बात समझ आई नहीं आई। आज मैं अगर तुमसे पूछने लगूं तो क्या तुम बता नहीं सकते, बिल्कुल बता सकते सर, पूछो तो सही। मैंने कहा न्यूटन, न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है गुरुजी, एसआई। एक बच्चे ने कह दिया गुरुजी एमकेएस है, तो मैंने मान ली उसकी बात, क्योंकि एसआई सिस्टम ही एक एमकेएस सिस्टम है। बात क्लियर है ना? यस सर। समझ पा रहे हो? बहुत अच्छे से सर। ये जो यहां न्यूटन बोला जाती थी वो सीजीएस में क्या बोली थी, डाइन कही थी। जो यहां पर गुरुजी किलोग्राम कही जाएगी वो यहां पर ग्राम कही जाएगी। गुरुजी जो यहां पर मीटर कही जाएगी वो यहां सेंटीमीटर कही जाएगी। जो यहां जूल कही जाएगी वो यहां अर्ग कही जाएगी। अरे सर बस 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 समझ में आ गया, ये सीजीएस सिस्टम और ये एमकेएस सिस्टम है। आज मैं अगर तुमसे पूछने लगूं तो बच्चा कहूंगा बेटा डायमेंशन का तीसरा उपयोग बताओ क्या है, तो तुम कहोगे सर इट कन्वर्ट वन सिस्टम टू एनदर सिस्टम। इसका तीसरा उपयोग डायमेंशन का किया जाता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने के लिए। क्या मेरी तुम इतनी बातें समझ गए? क्या तुम्हें डायमेंशन की एप्लीकेशन पता है? यस सर। क्या तुम्हें सिस्टमों के बारे में पता है? यस सर। क्या तुम्हें क्वांटिटी के बारे में पता है? यस सर। दो तरह की होती है, एक आधारभूत फंडामेंटल और एक होती है ड्राइव्ड। ड्राइव्ड वो होती है जो बनाई जाती है। बेटा बात क्लियर है? बताइए किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूं आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? और अब सुनिए बच्चे, इंपोर्टेंट बात यहां पे ध्यान से सुनिए। अब आपके पास डायमेंशन वाला मोस्टली जो पार्ट था वो कवर हो चुका है। अब आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है एरर का। तो जो डीपीपी जो आएगी, अब जो डीपीपी आएगी वो इसी पर आधारित होगी। मतलब डीपीपी में क्वेश्चन जो होंगे वो डायमेंशन पर आधारित होंगे, मतलब क्लास नंबर थर्ड और क्लास नंबर फोर्थ पर पेज। क्लियर है? यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर। चलो बेटा आइए जल्दी से। अब यहां एरर के बारे में देखो, एरर, एरर क्या है, गलती क्या है। देखिए जब भी कभी एरर निकालते हैं तो एरर निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा होता क्या है, जब एरर निकालते हैं ना तो एरर निकालने में गलती, एरर है क्या, एरर बताओ गुरु जी, एरर क्या? ओ जी हिंदी में से त्रुटि कह देते, त्रुटि। तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जस्ट इमेजिन, यहां ध्यान देना, तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रीडिंग में कुछ गलती ले आए, तुम्हारा पार्टनर था उसने भी रीडिंग में कुछ गलती ले आए, और ऐसे करते करते छोटी छोटी गलती करते 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 वो बहुत बड़ी गलती बन गई। तो एरर के बारे में, गलतियां जब करते हैं तो उस गलती को छोटे से रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा से, डेल्टा मतलब छोटा सा। अच्छा गलतियां एड हो सकती हैं, क्या हो सकती है, एड,
अगर मान के चलिए मैंने कोई फंक्शन दिया जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, ध्यान सुनना बेटा, डायरेक्ट बता रहा हूं, इफेक्टिव बता रहा हूं, सिर्फ जो आएगा वही पूछना, वही बता रहा हूं और कुछ नहीं। चलो मैंने कहा ना बहुत कम में बहुत ज्यादा बता दूंगा मैं, ये हलवाई की तरह गेम होता है और ये तजुर्बे से आता है। मैंने कहा कभी भी गलती ऐड होगी, एरर ऐड हो सकती है। देखो जेड बराबर ए प्लस बी, अरे सब्सट्रक्शन भी हो सकता है, जेड बराबर ए माइनस बी बिल्कुल हो सकता है, क्लियर है। अच्छा जब गलती ऐड होगी तो पता हो कैसे लिखी जाएगी, सुनना ध्यान से, तो ये लिखी जाएगी जो छोटी सी गलती है, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बोलो मेरी बात समझे, अरे मेरी बात समझे, ये क्या कह रहा है कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ये ऐड होगी। अगर कोई दो फंक्शन माइनस किए जाते हैं तब भी एरर ऐड ही होती है, जुड़ती है हमेशा। तो डेल्टा जेड बराबर क्या, मैंने तुमसे कहा चलो इस पर मेरी हाइट बताओ, आपने कहा सर आपकी हाइट होगी 5 फुट 9 इंच। मैंने कहा सही बता रहे, अरे सर थोड़ा बहुत प्लस माइनस लगा लो, वो जो तुम प्लस माइनस बोलते हो ना वो गलती है, वो ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है, तो वो डेल्टा में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डेल में रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा में। तो बेटा ये क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इतनी बात समझ में आ गई सर, अगर कोई फंक्शन है जिसमें ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, लेकिन किंतु परंतु इंतु गलतियां हमेशा जुड़ती हैं, गलतियां हमेशा जुड़ती हैं, न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा। अच्छा मैंने क्या किया, अब कर दिया मल्टीप्लीकेशन और एक कर दिया बेटा आपका डिवीजन। ध्यान से सुनना, यही तो तीन चार बातें हैं मल्टीप्लीकेशन में। सुनो मैंने एक फंक्शन लिखा, गुरुजी जेड बराबर ए इंटू बी लिख दिया, अरे फंक्शन का मतलब जो दिया मैंने, लेकिन तुमने जो गलती करी है वो क्या करोगे तुम, मैंने दे दिया जेड बराबर ए अपॉन बी। बोलो बेटा बात क्लियर है, बात क्लियर है। अच्छा इसे लिखने का पैटर्न क्या होता है, इसे लिखने का पैटर्न होता है डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए, मतलब चेंज बटे ओरिजिनल। अच्छा कुछ भी हो आना प्लस ही है, तो ये लो सर प्लस आएगा, डेल्टा बी अपॉन बी आ गया। बेटा क्लियर है, यस सर। अरे जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, जैसे ये इसे फॉलो करता है तो ये इसे फॉलो करेगा। देखो देखो प्लस और ये दोनों सेम सेम है नहीं है, मल्टीप्लाई किसकी तरह होगा, डिवीजन की तरह। तो यहां भी क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन में जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बेटा न्यूमेरिकल में इसका सदुपयोग दिखेगा, वहां ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन इतना याद रखना अगर डिवीजन में है या मल्टीप्लीकेशन में प्लस में लिखना है, लेकिन उसका तरीका डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड ऐसे दिखाया जाएगा। बोलो मेरी बात यहां तक सभी को समझ आई कि नहीं आई। एक क्वेश्चन दिखाऊंगा इस पे छोटा सा, बताओ ये बात समझ आई नहीं आई, सर बहुत अच्छे से आ गई। बताओ कितने फॉर्मूले थे, 1 2 3 4, वो जी पांडव कितने थे, 5, ये कितने हैं, 5, फॉर्मूला भी कितने हैं, 5, शाबाश। पांचवा फॉर्मूला पावर के केस में, क्लियर है। अगर मैंने दे दिया कोई फंक्शन y इज इक्वल टू जेड की पावर n, ऐसे दे दिया, क्लियर है, जेड की पावर n, तो बेटा इसमें पता क्या करते हैं, पावर को आगे लाते हैं, पावर को आगे लाओ और डेल्टा जेड अपॉन जेड लिख दो, वो जी कहानी खत्म। कुछ नहीं था, बस इतना था कि जो पावर है ना वो आगे आ जाएगी। बेटा बेटा बात समझ आई, फॉर्मूला कितने थे, 5, तुम्हें कितने पता है, 5, न्यूमेरिकल आ जाएगा कर लोगे, यस सर, प्लस आ जाए कर लोगे, यस सर, मल्टीप्लाई आ जाए कर लोगे, यस सर, डिवीजन आ जाए कर लोगे, यस सर, पावर वाला आ जाए समझ में आ जाए कर लोगे। एक गुरुजी सिर्फ एक क्वेश्चन बता दो, बाकी हमारा काम है करने का। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, मैंने ये कहा कि कोई फंक्शन है और वो फंक्शन दे रखा आपको ये वाला, आर बराबर मैंने आपसे कहा ए की पावर एक्स बी की पावर वाई अपॉन जेड सी की पावर जेड, सी की पावर जेड। बेटा बात क्लियर है। अच्छा अब देखो,
अब देखो इसे कैसे लिखोगे, यहां ध्यान देना। अच्छा अगर वो परसेंटेज में पूछता है, इतना याद रखना, अगर परसेंटेज में पूछता है तो इंटू हंड्रेड कर देना, बस परसेंटेज मतलब हंड्रेड कर देना और कुछ मत करना। अब देखो लिखो इसे कैसे लिखोगे, और गुरुजी बड़ा प्यारा है तो आराम से, डेल्टा आर अपॉन में आर बराबर, बेटा गहराई से सुनना, ये दोनों किसमें है मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला पूरा मैं एक्स मान लू और नीचे वाला पूरा वाई मान लू, तो ये बताओ ये ए अपॉन बी बनेगा नहीं बनेगा। फिर से देखो, ये दोनों किसमें, ये वाले, ये पूरा इसके साथ किसमें, ये वाला है कि नहीं है, और इसमें आ गया पावर वाला फॉर्मूला भी, तो बोलो बेटा पावर को गुरुजी सबसे पहले तो आगे लाओ। अच्छा ए ए डॉट बी क्या बनेगा, डेल्टा ए अपॉन ए, जब भी मल्टीप्लाई होता तो उनके बीच में क्या आता, प्लस वाई डेल्टा बी अपॉन बी, बहुत बढ़िया क्या बात। लेकिन इसमें तुमने सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व किया है, और नीचे वाला किसकी तरह कर रहा है, डिवाइड की तरह बिहेव कर रहा है। अजी डिवाइड की तरह बिहेव कर रहा है तो करने दो ना, लेकिन हमें तो फिर भी वो प्लस में ही लिखना है ना, क्योंकि डिवीजन वाला जो होगा तो प्लस में तो लिखा जाएगा, तो ए अपॉन बी मतलब प्लस आ गया। अच्छा ऊपर से जेड आ गया, तो बोलो मेरे साथ साथ जेड डेल्टा सी अपॉन सी, क्या बात, बहुत खूब, जिसने ये साथ साथ बोला उसने बिल्कुल सही बोला। बोलो मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, गुरुजी बहुत अच्छे से समझ आई, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दिल की बात है जो आप बोल रहे होंगे, क्लियर है, यानी दिक्कत, तुम कहोगे सर नो दिक्कत, अगर परसेंटेज पूछू तो परसेंटेज निकाल दोगे ना, इंटू हंड्रेड करना, बस गुरुजी त्रुटियां खत्म हुई, अब आप बस डीपीपी लाओ और डीपीपी में क्वेश्चन सॉल्व कराओ, किसके डायमेंशन के, मतलब क्लास नंबर थर्ड और क्लास नंबर फोर्थ के। ओके स्टूडेंट्स, आपसे हम मिलते हैं क्लास नंबर फिफ्थ में, क्लास नंबर फाइव में मिलेंगे हम आपसे, तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके हाथ टीचर मोटिवेशनल होता है, ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। ओके स्टूडेंट्स, क्लास नंबर फाइव में आपका स्वागत होगा बहुत जल्द। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद। We'll be right back.